बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बनाएंगे हम बंद गोभी आलू। गोभी मैंने लिया आधा किलो, आलू मैंने लिए दो बड़े साइज के, उनको मैंने ऐसे क्यूब में काट लिए। दो टमाटर दरमियाने साइज के, हाफ कप मटर, एक दरमियाने साइज का प्याज, थोड़ा सा टुकड़ा अदरक का, हरी मिर्च, हरा धनिया गार्निश के लिए, ऑयल लिया मैंने हाफ कप। स्पाइस मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। इसमें जो मसाले जाएंगे वो रेड चिली पाउडर एक टीस्पून भर के, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, एक टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून ज़ीरा, चुटकी कलौंजी, चुटकी राई दाना, उसको सरसों के बीज को कहते हैं राई दाना, ये थोड़ा सा आ जाएगा चुटकी। ऑन करेंगे, ऑयल हाफ कप, ऑयल हमारा गर्म होता है तो हम इसमें डालते हैं प्याज, एक दरमियानी प्याज है ये। प्याज को मैं फ्राई करूंगी थोड़ा सा हल्का सा। प्याज देखें ये कलर होना चाहिए, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। इसके अंदर अब मैं ये जो जीरा है, कलौंजी और राई दाना ये डाल दूँ। इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ ये एक बड़ा चम्मच लहसुन अदरक। इसको फ्राई करूंगी। बस ये हो गया हल्का सा तेल में। अब इसके अंदर मैंने डाल देने हैं टमाटर। टमाटर डाल के धनिया डाल देनी है स्पाइस, जो कि हाफ टी स्पून धनिया, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी और एक बड़ा चम्मच या हाफ या टी स्पून डाल लें आप, बड़ा चम्मच मैंने टी स्पून भर के हल्दी लिया आधा टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च लिया आधा टी स्पून, नमक लिया आधा टी स्पून, पिसा हुआ धनिया लिया आधा टी स्पून, ये मैं सब डाल दूँ इसके अंदर मसाले। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा पानी डाल लें ताकि मसाले गले ना और टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए। इसको मैं ढक के रख दूंगी ताकि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो। मसाला हो गया, इसमें अब ये मटर डालेंगे, आलू, डाल देंगे बंद गोभी, बंद गोभी और कहाँ गया मेरा, और ये जो मैंने अदरक काट के रखा था ये भी मैं साथ ही डाल देती हूँ और इसको करेंगे मिक्स ताकि मसाले इसमें रच बस जाए। कलर देखते हैं इसका आला। हल्की आंच पे दम लगा देंगे। ये बंद गोभी आलू की सब्जी रेडी हो गई है। इसके ऊपर मैंने ये
थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला आधा टीस्पून, थोड़ी हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश के लिए डाल दिया। डिश रेडी है। लुक देखें, बहुत मज़े की बनी है। ट्राई करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।